गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ दो पढ़ रहे हैं। कल मैंने इस पाठ को आपको बता दिया था, आज मैं इस पाठ को आपको वापस छोटे रूप में समझा देती हूँ और करने के लिए आपको गृह कार्य दूंगी। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं अपना। मेहनत की कमाई, मेहनत यानी जो परिश्रम से हम पैसे कमाते हैं उसकी कमाई किस प्रकार की जाती है। एक अमीर आदमी था, उसका एक बेटा था। वो जो बेटा था ना, उसका बड़ा आलसी था, उसको शर्म भी नहीं आती थी, कुछ भी कोई कह देता था तो। और वो बहुत ही लापरवाह किस्म का था, यानी कि उसे कोई भी कुछ कह दो ना तो वो परवाह करता था, और उसे कुछ भी कहो उसे शर्म भी नहीं आती थी कि मुझे सारे जने बार बार ये काम करने के लिए कह रहे हैं और मैं करता नहीं हूँ इसलिए। और वो अपने में मस्त रहता था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा सेठ जी ने कि अगर आज तू कुछ कमा कर ला, अगर आज तू कुछ कमा कर नहीं लाया ना तो देख लेना मैं तेरे को शाम को खाना नहीं दूंगा। तो उस लड़के ने सोचा, बड़ा हैरान हुआ, वो फौरन अपनी माँ के पास गया और माँ को जाकर कहता है कि मेरे को पैसे दो नहीं तो मुझे शाम को खाना नहीं मिलेगा। जैसे उनकी वो मम्मी थी ना, उसने उसे रोते हुए देखा ना, तो उन्होंने क्या किया, अपने पास से निकाल कर उसको एक रुपया दे दिया। तो वो शाम को उसके पिताजी ने पूछा कि बताओ आज तेने क्या कमाया। तो लड़के ने क्या किया, फटाफट जो एक रुपया था वो निकाल कर अपने पिताजी को दे दिया। तो उसके पापा थे वो समझ गए कि भाई ये इसने नहीं कमाया, उन्होंने उसको कहा जा इसे कुएं में फेंक दिया। लड़के ने वो रुपया कुएं में डाल दिया। तो उसके पिता कुछ नहीं बोले। अगले दिन उन्होंने उससे फिर कहा कि जा आज फिर कमा के ला, नहीं तो आज फिर खाना नहीं मिलेगा। जो लड़का था वो फौरन अपनी बहन के पास गया और बहन के पास जाकर रोने लगा। तो बहन को उसको रोते देख के बड़ी दया आई, उसने अपने पास से एक रुपया निकाला और उसको फिर दे दिया। जब रात हुई, रात को उसके पापा ने फिर पूछा बता आज तेने क्या कमाई की। तो लड़के ने वो जो बहन से रुपया लिया था वो निकाल कर दे दिया और कि लो ये आज मैंने कमाया है। तब जो उसके पिताजी थे वो बोले कि जा इसको कुएं में फेंक आ। लड़का फिर फटाफट उसको फिर कुएं में फेंक आया। उसके बाद अनुभवी जो पिता थे वो फिर समझ गए कि आज ये फिर पैसे और कहीं से लाया, इसने अपने आप नहीं कमाए। तब उन्होंने क्या किया, अपनी जो बेटी थी ना और पत्नी थी उन दोनों को घर से बाहर भेज दिया। उन्होंने कहा कि तुम दोनों बाहर चली जाओ और मैं इससे फिर बात करूँगा। जैसे कुछ समय निकल गया, उन्होंने दूसरे दिन उसको फिर कहा कि जा आज फिर कमा कर ला, नहीं तो रात का फिर खाना फिर नहीं मिलेगा। अब वो लड़का बड़ा परेशान हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है। तो वो सारा दिन घर में सुस्त बैठा रहा, बिल्कुल उदास होकर बैठा रहा, तरह तरह के तरीके सोचता रहा पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, जैसे शाम होने लगी ना, उसने कहा अगर आज मैंने कुछ भी कमाई नहीं करी ना तो आज मुझे खाना नहीं मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। आखिर में उसने कहा भैया आज तो मुझे कमाई करने जाना ही पड़ेगा। वो उठ के बाज़ार में गया और बाज़ार में कोई काम ढूंढने लगा। तभी वहाँ एक सेठ जी आए, उन्होंने कहा कि भैया मेरा ये संदूक बहुत भारी है, तो अगर मेरे इस घर में उठा के मेरे घर तक छोड़ आएगा तो मैं तेरे को पैसे दूंगा, चार आने दूंगा। उस लड़के अमीर बाप का बेटा था, उसने काम तो कभी किया हुआ नहीं था। तब उसने क्या किया, वो संदूक उठाया और उसके घर तक रख के आया। उसते में वो बड़ा बुरी तरह थक कर परेशान हो गया, बहुत थकावट हो गई, उसके पैर हाथ सिर कमर सब सारा कुछ दुखने लग गया, क्योंकि उसने कभी कोई काम ही नहीं किया था इसलिए उसके सारा शरीर दर्द होने लग गया। तब रात को उसके बाप ने पिताजी ने पूछा कि बता बेटा आज तेने क्या कमाया, कुछ कमाया क्या नहीं कमाया। तब उस लड़के ने क्या किया, जो सेठ जी ने उसे जो चवन्नी निकाल कर दी थी ना वो दिखा दी। तब उसके पिताजी ने फिर कहा जा फेंक के आ कुएं में। अब वो लड़का बोला कि नहीं आज नहीं फेंक के आऊँगा, क्योंकि ये तो मेरी मेहनत की कमाई है, आज मैंने पता है कितनी मेहनत करी है जब मुझे चारा नहीं मिले हैं, इसलिए मैं इसको नहीं फेंकूंगा। तब वो पिता ने अपने बेटे को कहा कि देख बेटा तू कभी कोई कमाई करता नहीं है, तूने दूसरों के लिए भी रुपये फेंक दिए और आज तैने मेहनत से एक चवन्नी कमाई है, इसको तैने फेंक नहीं सका। इससे ये सिद्ध होता है जो पैसा होता है वो बहुत मुश्किलों से कमाया जाता है। अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपनी मेहनत की कमाई के बारे में समझ चुके होगे, तुम परिश्रम का फल जान चुके होगे क्या होता है, और मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। मेहनत करना, रुपया कमाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। पिता के इस प्रकार समझाने से वो जो बालक था वो सारी बातें समझ गया और उसने अपने पिता की बात मान ली और वह व्यापार संभालने लग गया। चलिए अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप ये होमवर्क कीजिए, और ये आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को आप करेंगे, इसमें खाली स्थान भरने हैं चार तो आपको, और ये विलोम शब्द लिखने हैं इनके, इनको आप करना और याद करना। बेटा था वो किसके पास जाके रोया था पहले, पिता ने पत्नी को और किसको बाहर भेजा था, लड़के को क्या आया था, मेरी गर्दन कमर और पैर
क्या होने लगे थे जब उसने बात काम किया था। यहाँ आपको दुख, जल्दी, रात्रि और जीवन, इन शब्द के विलोम शब्द लिखने हैं। धन्यवाद।